सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं एक बात बता दूं, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को स्किप करके देखते हैं, वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते, इसलिए मेरा वीडियो का जो एवरेज ड्यूरेशन है वो हर वीडियो में कम होता रहता है, ठीक है। और इसीलिए मैं अपना वीडियो पर कभी भी फाइल जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं लगाता, क्योंकि आप लोग के लिए आसानी हो और आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए मैं मेरे फाइल पर पासवर्ड नहीं लगाता। अगर आप लोग इस तरह वीडियो स्किप करके देखेंगे तो मुझे पासवर्ड लगाना पड़ेगा, इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखना। एंड तक देखने से आपको पता चल ही जाएगा कि वीडियो कैसी है, इस तरीके से आप लोग इजीली देख सकते हैं और फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग स्किप करेंगे तो मुझे पासवर्ड लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको डिस्क्रिप्शन पे दो XML मिलेगा, एक बिट मार्क है, एक इफेक्ट का। तो आपको दोनों को एलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करना है, ठीक है। बिट मार्क वाले प्रोजेक्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ओपन करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बस मैंने टेक्स्ट का एनिमेशन दिया है, इफेक्ट्स नहीं दिया है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं और यहाँ पे बहुत सारे बिट मार्क्स है इस तरीके से। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट बिट मार्क पे आ जाना है, ठीक है। एरो पे क्लिक करके फर्स्ट बिट मार्क पे आ जाना है। फर्स्ट बिट मार्क पे आने के बाद आपको यहाँ पे इमेज ऐड करना है, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे इमेज ऐड करूँगा सभी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको सभी जो मटेरियल है वो ईजिली टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, फिर भी आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं, इसलिए आप लोग स्किप मत करना, एंड तक देखना। एंड तक देखने से मुझे भी अच्छा लगता है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, एक लाइक और एक कमेंट से बहुत अच्छा लगता है और बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। इसलिए प्लीज़ कीप मत करना, एंड तक देखना। और इजीली आपको सभी फाइल में दे देता हूँ विदाउट पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है आपको, इस तरीके से यहाँ पे इमेज ऐड करना है, ठीक है। थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म में आना है, इस तरीके से आपको इमेज को एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। बैक आना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, बाकी बार रिमूव कर देना है। प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, फिर से इमेज ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, यहाँ पे बिट मार्क के हिसाब से सभी इमेज को ऐड कर लेना है, बहुत ही सिंपल है। सभी इमेज को यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, नेक्स्ट बिट मार्क पे जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसी तरह आपको बिट मार्क के हिसाब से इजीली सभी इमेज को ऐड कर लेना है। और अभी तक आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको सभी मटेरियल्स, जो भी फोटोज़ या वीडियोस होते हैं, आपको इजीली टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, ठीक है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल मेरे चैनल पर देखने को ज़रूर मिलेगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, इमेज को ऐड कर लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे इमेज को ऐड कर लेना है, और ये सभी इमेज आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इजीली यहाँ पे इमेज ऐड कर लेना है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको इजीली इमेज ऐड कर लेना है। इमेज ऐड कर लेने के बाद आपको क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है। स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करना है, एक रेक्टेंगल ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया करना है, एरो पे क्लिक करना है, फिर से एरो पे क्लिक करना है, फर्स्ट बिट मार्क पे आ जाना है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है ताकि रेक्टेंगल भी फर्स्ट बिट मार्क पे आ जाए, ठीक है। उसके बाद कलर एंड फिल में जाना है, आपको ग्रेडियंट पे क्लिक करना है, और व्हाइट कलर को आपको सिंपल से ब्लैक कलर सेलेक्ट करना है, और ब्लैक कलर को व्हाइट के राइट साइड पे जो ये कलर है ग्रे, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इस लाइन को आपको इस तरह से खींच के यहाँ पे सेंटर पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको एडजस्ट कर देना है। उसके बाद बैक आना है, बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को सभी टेक्स्ट के नीचे लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल पे क्लिक करना है, एफेक्ट्स में जाना है, ऐड एफेक्ट्स में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है सिंपल स्टार फील्ड, सिंपल स्टार फील्ड सिलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, जेड पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्लस पे क्लिक करना है, एंडिंग पॉइंट पे और एक प्लस पे क्लिक करना है, एंडिंग प्लस को आपको 500 कर लेना है। उसके बाद नीचे आना है, साइज पे जाना है, साइज को आपको 0.300 कर लेना है।
उसके बाद नीचे आना है, कलर को वाइट है, आपको सिंपल से ब्लू कलर सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इफेक्ट्स ऐड करना है, ठीक है। इफेक्ट्स ऐड करने के लिए आपको यहाँ से बैक आना है, इफेक्ट वाले एक्सएमएल पे जाना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट का इफेक्ट मिलेगा और आपको यहाँ पे दो इमेज मिलेगा, ठीक है। पहले आपको टेक्स्ट पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है और जितना भी टेक्स्ट है आपको सिंपल से ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। टेक्स्ट पे जाना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आप ये स्ट्रिप्स इफेक्ट चाहिए, इसको अगर ऑन करना है तो आपको सिंपल से यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये इस तरीके से ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑफ रखा है तो आपको यहाँ पे सिंपल से इस तरीके से ऑफ कर देना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सभी टेक्स्ट पे ये वाला इफेक्ट आपको सिंपल से पेस्ट कर देना है। जितना भी टेक्स्ट है आपको सभी पे ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे सभी इफेक्ट ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है, फिर से इफेक्ट वाले एक्सएमएल पे जाना है, फर्स्ट इमेज का इफेक्ट आपको कॉपी कर लेना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, ट्विटर पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करना है, बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, फर्स्ट बिटमार्क पे आना है, फर्स्ट इमेज पे आपको सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, ट्विटर पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये वाला इफेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, एक इमेज छोड़ के फर्स्ट इफेक्ट आपको ऐड करना है, नेक्स्ट इमेज पे जाना है, आपको पेस्ट इफेक्ट करना है, उसका नेक्स्ट इमेज छोड़ देना है, नेक्स्ट इमेज पे जाना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, ट्विटर पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इसी तरह आपको क्या करना है, एक इमेज छोड़ के इफेक्ट पेस्ट करना है, फर्स्ट इफेक्ट आपको एक इमेज छोड़ के पेस्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इस तरह से कर लेने के बाद आपको फिर से ऐसे बैक आना है, फिर से इफेक्ट वाले एक्सएमएल पे जाना है। अभी आपको सेकंड इमेज का इफेक्ट कॉपी कर लेना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट करना है, बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है और जो भी इमेज आपने मिस किया था सिंपल से आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से पेस्ट इफेक्ट कर देना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो जितना भी इमेज आपने मिस किया था सिंपल से आपको ये वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। जल्दी से जल्दी एक लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा, कुछ भी लगा एक कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है, ठीक है। फर्स्ट बिटमार्क पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक वीडियो ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको यहाँ पे एक वीडियो ऐड करना है। इस तरह से आपको वीडियो ऐड करना है, वीडियो को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करना है, मूवमेंट ट्रांसफॉर्म में ना जूम लेयर पे थोड़ा सा जूम इन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एंडिंग पॉइंट पे जाना है, वीडियो का बाकी पार्ट रिमूव कर देना है, वीडियो का ऑडियो म्यूट करना है, ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आना है, लाइट इन में आने के बाद स्किन कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा कलरफुल इफेक्ट लग रहा है और वीडियो बहुत ही अच्छा जो ऑसम लग रहा है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है वीडियो देखने में और पूरा 4K में आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रिजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और जो भी मिरर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन भी ज़रूर चेक करना और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू सो मच।